ये क्या हो रहा है? शादी किसकी? गुलनार की। किससे? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने काम है हवेली में, जाओ जल्दी से। ये तुम क्या अजीब हरकतें करती फिर रही हो? तुम अपने काम से काम रखो, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? मैं कहती हूँ मुझे शहर भेज दो, वो नहीं भेजते तो फिर तो मैं टांग अड़ाऊंगी ना। शामिर की शादी गुलनार से हो रही है। तुम शामिर की शादी उस गुलनार से कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आखिर तुम्हारा मसला क्या है रोशन आरा? तुम क्या चाहती हो? मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकती। आई वॉन्ट टू गो बैक होम। तुम मुझे शहर भेज दो, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। गुलनार, क्या तुम अपने दूल्हे की शक्ल नहीं देखोगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भेड़ बकरी की तरह किसी भी कूटे से बांधे, चाहे अपने गुलाम या कुत्ते से ब्याह दे, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। एक दफा देख तो लो। देख लिया अपने शामिर हजूर को, जैसे तुम बहुत चाहती थी। इसकी बहुत इज्जत करती हो, मुझसे भी ज्यादा। शादी कर रहा है वो उस गिरी हुई औरत से। कितनी छोटी हरकत की है शामिर ने। गिरी हुई औरत को सहारा देकर उठाना छोटी हरकत नहीं, आला जर्फी का मुजाहरा किया है। कैसे? इससे तो यही जाहिर होता है कि शामिर ने नहीं, कैसा बेवकूफ आदमी है शामिर, खुद ही मेरे लिए रास्ते साफ किए जाता। शामिर जैसे दुश्मन को दुश्मनी की जरूरत ही नहीं, अपने आप को बर्बाद करने के लिए खुद ही काफी है। अच्छे लोग अपने दुश्मन खुद ही होते हैं। नेकियों का सवाब तो दूसरों के गुनाहों का कफारा अदा करके ही मिलता है, वरना हर कोई आप जैसा ना होता। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अफसोस जरूर होता। अपने ही घर में मैंने एक दुश्मन पाल रखा, और दुश्मन भी वो जिससे मुझे शदीद इश्क है। इश्क? तुम्हें क्या मालूम इश्क होता क्या है? अगर मैं इस नगर का राजा न बन सका तो तुम भी रानी नहीं बन सकोगी। तुम्हारी रानी बनने से मुझे शामिर की बांदी बनना 1000 गुना कबूल है। बहुत आगे रहते हैं।